ऐसा माना जाता है कि व्लादिमीर पुतिन अपने जिंदगी में कई हमलों से बच गए हैं। रशियन प्रेसिडेंट को छूना तक मुश्किल है। सेफेस्ट सिक्योरिटी फोर्स से लेकर दुनिया के सबसे सिक्योर गाड़ियों तक, आज देखिए ये कैसे काम करते हैं। पुतिन अपनी सुरक्षा में काफी माहिर हैं। वो केजीबी के ऑफिसर रह चुके हैं, यहां तक कि उन्हें जूडो भी आता है और वो स्नाइपर चलाना भी जानते हैं। ऐसी भी अफवाहें हैं कि पुतिन सुरक्षा के लिए बॉडी डबल्स का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि उनका दावा है कि जब उन्हें बॉडी डबल ऑफर किए गए तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन पुतिन के इंटरव्यूज में उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि उनकी जान पर कम से कम 5 बार हमला किया गया है, जिसमें धमाकों और स्नाइपर्स का इस्तेमाल होने की बात है। पर वो इन हमलों से बच गए। इसका क्रेडिट पुतिन अपने पर्सनल सिक्योरिटी फोर्स को देते हैं। उनका कहना है कि मुझे उन पर भरोसा है। रूस की फेडरल प्रोटेक्शन सर्विस FSO प्रेसिडेंट के जिंदगी समेत टॉप अधिकारियों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उठाती है। ये एक पावरफुल और सीक्रेट एजेंसी है, लेकिन इसके कामकाज के बारे में रिपोर्टें लीक हो गई थी। ये ऑपरेशनल और इन्वेस्टिगेटिव एक्टिविटीज को अंजाम दे सकते हैं। टेलीफोन टैपिंग, हिरासत में लिए गए नागरिकों के घरों की तलाशी और अरबों डॉलर पर कंट्रोल रखते हैं। जहां तक पुतिन की सुरक्षा का सवाल है, तो ये हर जगह उनको फॉलो करते हैं। कई काले सूट और कान में ईयरफोन पहनते हैं, जबकि दूसरे आम लोगों की तरह कपड़े पहनते हैं। आपने शायद ही पुतिन का ये वायरल वीडियो देखा होगा, जिसमें वो पेरिस में यूक्रेन समिट में हिस्सा लेने के दौरान 4 बॉडीगार्ड्स के साथ वॉशरूम जा रहे थे। पुतिन के आने से महीनों पहले FSO किसी भी डाउटफुल एक्टिविटी पर नजर रखती है। मैपिंग एग्जिट्स और नेचुरल डिजास्टर्स का पता लगाने के लिए भी प्लानिंग करती है। मौजूदगी के दौरान सिक्योरिटी IT टीम किसी भी रेडियो डेटोनेशन सिग्नल्स को रोकने के लिए जैमर सेट करती है। पुतिन की सुरक्षा करते समय गार्ड्स 4 सर्कल्स में डिवाइड होते हैं। पुतिन के सबसे करीब उनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स होते हैं। दूसरा हमलावरों की तलाश में लगी भीड़ के साथ घुल मिल जाता है और तीसरा सर्कल भीड़ के चारों ओर चक्कर लगाता है। चौथा सर्कल दूर से हमला करने के लिए छतों पर तैयार रहता है। FSO बंदूकें रखते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं और यहां तक कि सूटकेस और मजबूत छाते और ढाल का इस्तेमाल करने की भी बात है। इन्हें सभी स्किल्स आती हैं। ये फॉरेन लैंग्वेजेस की समझ रखते हैं और पॉलिटिक्स में भी इनकी प्रोफिशिएंसी होती है। इन स्किल्स के साथ ये प्रेसिडेंट के साथ कहीं भी जाते हैं, यहां तक कि साइबेरियन जंगलों की छुट्टियों और पुतिन के सीक्रेट घर पर भी। ऐसा कहा जाता है कि पुतिन का पैलेस $1.4 बिलियन का है। सफर के दौरान पुतिन और उनके आर्मी फोर्सेस बख्तरबंद गाड़ियों के बेड़े का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक राष्ट्रपति की कार है, बुलेट और बम प्रूफ और सिनट। इसे 2018 में पेश किया गया था। इस एक्सेलेंस गाड़ी की कीमत लगभग $2,74,000 है, लेकिन पुतिन का इंप्रेशन उनके लिए ज्यादा अहम है। बख्तरबंद सीनेट 21.7 फीट लंबा है और इसका वजन 14,000 पाउंड से ज्यादा है। ये कई स्पेशल प्रोटेक्टिव फीचर्स से लैस है, जबकि उन्होंने इसे ज्यादातर सीक्रेट रखा है। कहा जाता है कि इसमें फ्लैट बुलेट प्रूफ टायर, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, गैस हमलों को अपोज करने के लिए एयर कंप्रेशन सिस्टम में पीछे से एक इमरजेंसी एग्जिट शामिल है। ये सबसे सेफेस्ट जगह है जहां पुतिन स्टाइल में सफर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए ताकि दूसरों तक वीडियो पहुंच सके और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमें काफी मदद मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।